Ready. Order, sir. Roll. It's rolling. It's rolling, and action. अरे चिंता स्वामी सर, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। I am proud of you, agent Himalaya. I salute you. Thank you so much. लेकिन सर, अब आपको मिसाइल की सुरक्षा और भी तगड़ी करनी पड़ेगी। Of course. आज शाम को मुंबई पुलिस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद हम वो मिसाइल फौज को दे देंगे और फिर उसके बाद हम उसे हैंड ओवर करेंगे। Very good, sir. Okay, agent Himalaya. Thanks once again and take care. You too, sir. हाँ, याद उल्टा किया मुझे। उल्टा तो मैं भी कर देता हूँ, लेकिन मैं खड़ा कहाँ हूँ यार? अलेज। ओके, थोड़ा सा आप थोड़ा सा राइट रहिए। एक्शन। सू, क्या बात? आया देखकर आ गया? नहीं, आया ना नहीं, वो तो हम ये जोक देखकर हंस रहे हैं नियन। आप सुनिएगा। हाँ सर। देखिए, एक बार एक चीटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे थे। तो जो चीटी होती है वो मंदिर में जाकर छुप जाती है, लेकिन हाथी को इस बात का पता चल जाता है कि चीटी मंदिर में है। पूछो कैसे? 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 हाथी को चीटी की चप्पल मंदिर के बाहर दिख जाती है। डियर ओ हसन नहीं वो चेंज हो डियर हंसो ना। अच्छा हंसता है तो उधर रुक। एक्शन। पूछिए कैसे? 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 क्योंकि हाथी को चींटी की चप्पल मंदिर के बाहर दिख जाती है। हंसी है ना डियर? ओ हंसा है। मंदिर जा मैं जाके तुम्हारा अरे डैड बहुत ही नया और अनोखा जो काम मार्केट में सुनाओ। नया है तो सुना। सुनो, एक चींटी और एक हाथी एक बार छुपन छुपाई कर रहा है। चींटी मंदिर में जाके छुप जाती है, लेकिन हाथी को पता चल जाता है। पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि हाथी मंदिर के बाहर चींटी के चप्पल देख लेता है। यही तो था। कितना हंसने वाला जोक है ना? यही तेरा जोक है? हाँ। निकल गया से। अरे What a joke. Oh my God. अरे डैड सुनो तो मिला? Yes sir. Okay. मॉम खूबसूरत लग रही हो आप। वो पहुंच जाने देना इधर, पहले आप देखना कितनी खूबसूरत लग रही हो सच्ची में। रोल एंड रोल एंड घर ज्यादा अंदर मत जाना, खुद ही ओवरलैप हो जाएगा। एक्शन।
मिस्टर साइलेंस। ठीक रेडी ऑर्डर सर। साइलेंस और इधर से रोल एंड बाकी आना। अरे मनु मॉम जान खा रही है मेरी। अरे डोंट वरी, जान में कोई कैदी थोड़ी होती है। कॉमेडी चल रही, मजाक चल रहा है। अरे मनु वो वीडियो भेजना ट्रेडमिल वाला, मॉम परेशान कर रही है मुझे तब से। नहीं नहीं ये लाइन वापस, वो ट्रेडमिल वाला वीडियो भेजो ना, जो भी लाइन रोल लाइन कीप रोलिंग। दूसरा एक और कुछ है? नहीं बस एक ही था। अब जो है त्रिदेवियाँ शो में अलग अलग कहानियाँ आने वाली हैं, अलग अलग किरदार आने वाले हैं। और इस बार की स्टोरी हमने जो 104 सैटेलाइट्स भेजी हैं आसमान में, उसी से मिलती जुलती एक कहानी है, जो कि हमारी ये तीन देवियाँ और साथ ही मेरे जो हस्बैंड का किरदार प्ले कर रहे हैं ऋतुराज जी, वो सॉल्व करेंगे, वो केस सॉल्व करेंगे। तो अभी जो अंदर शूटिंग चल रही है वो इसी के सिलसिले में चल रही है। अभी तो बहुत ही प्यारा सा सीन हम लोग कर रहे थे, मेरे बेटी, मेरी बहू और मेरे बीच, जिसमें शो में ये दिखाया गया है कि मैं थोड़ी सी मोटी हो रही हूँ, मेरे 750 ग्राम जो हैं वो बढ़ गए हैं। और उसी सिलसिले में मैंने अपने बेटों से और अपनी बहुओं से और अपने हस्बैंड से ये ख्वाहिश रखी है कि मुझे एक ट्रेडमिल दी जाए। और इसी ट्रेडमिल को लेके जो रोना धोना है, उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर मजाक चल रहा है। और सीन में मेरी ट्रेडमिल की डिमांड है, क्योंकि मैं मोटी हो रही हूँ, और वही डिमांड मैं अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड को और अपनी बहुओं को बार बार याद दिला रही हूँ। ये हाथी और चींटी का जो जोक है, जो मेरे ख्याल से काफ़ी बच्चों के बीच में आजकल फेमस हो गया है, जिसमें हाथी और चींटी एक दूसरे के साथ छिपन छुपाई खेल रहे होते हैं, और हाथी मंदिर में पहुंच जाती है और चींटी मंदिर में पहुंच जाती है, और हाथी को पता चल जाता है कि उसकी चप्पलें जो हैं वो बाहर छूट गई थी। तो ये जोक था जो कि मैं अपने हस्बैंड को सुनाती हूँ, यही जोक मेरा बेटा भी मेरे हस्बैंड को सुनाता है, और बस इसी के साथ हम हंस रहे हैं। त्रिदेवियाँ जैसा हम जानते हैं कि एक थ्रिलर कॉमेडी शो है, तो इसमें आपको बहुत सारा थ्रिल मिलेगा, बहुत सारी कॉमेडी यानी बहुत सारा हंसना आपको मिलेगा। और क्योंकि नए नए किरदार इस सीरियल में आने वाले हैं, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा कि किस तरह से अलग अलग केसेस सॉल्व किए जाते हैं, किस तरह से आप लोगों को एक सीख मिलती है, किस तरह से हम आपके परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। हाँ जी, व्यूअर्स को क्या कहूँगी? व्यूअर्स को तो मैं यही कहूँगी कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपना प्यार हमारे साथ इसी तरह बनाए रखें। त्रिदेवियाँ एक कॉमेडी थ्रिलर शो है, जिसके साथ जब आप शाम को थके हारे घर वापस आते हैं, और जब बीवियाँ अपना काम जो है कर कर बस नींद लेने की कोशिश कर रही होती हैं, तो उससे पहले आप टीवी के सामने ज़रूर रोज़ाना 9:30 बजे रात को बैठें एक साथ, और सब टीवी के साथ सब लोग अपने पूरा परिवार सहित ज़रूर हमारा शो देखें। सुहासिनी चौहान त्रिदेवी में, जो कि मैं किरदार प्ले कर रही हूँ सासू मॉम का, आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के साथ होली खेलिएगा, रंग मलिएगा, और हवा में रंग उड़ाइएगा, खुशियाँ मनाइए होली सहित।